गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपकी पुस्तक कनिका का क्लास फोर्थ हिंदी वन का चैप्टर टू की रीडिंग कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एकता में बल। एक जंगल था, उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे, यानी कि पेड़ों पर अपने घर, छोटे छोटे घोंसले जो घास फूस से बनते हैं। एक दिन एक शिकारी उधर आया, उसने ज़मीन पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद कबूतरों का एक दल यानी कि समूह है ना, उड़ता हुआ उधर आया। ज़मीन पर अनाज के दाने देखकर कबूतरों ने नीचे उतरना चाहा, लेकिन उनके मुखिया ने कहा, भाइयों यहाँ उतरना ठीक नहीं है, भला सोचो इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आए। यानी कि जो कबूतरों का जो मुखिया था, सरदार था, उसने कहा कि ये तो घना जंगल है, यहाँ पर अनाज के दाने कौन डाल सकता है। अपने साथियों से कह रहा था कि यहाँ पर अनाज के दाने कौन डाल सकता है, ये भी तो सोचो, ज़रूर इसमें कोई ना कोई चाल है। इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आए, इसमें ज़रूर कोई धोखा है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, वे अपने मुखिया के रोकने पर भी नहीं रुके, यानी कि वो उनको भूख लग रही थी और मुखिया ने समझाया तब भी वे नहीं रुके और नीचे उतर आए। वे दाना चुगने बैठे ही थे कि जाल में फंस गए। आप देख रहे हैं किस तरह से चित्र में कबूतर दाना चुग रहे हैं और फड़फड़ाने लगे। अब वे पछताए कि इन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। मुखिया बोला, पछतावा हो रहा था उन्हें कि अगर उन्होंने अपने मुखिया की बात मानी होती तो वो उस जाल में नहीं फंसते, लेकिन उनको भूख लग रही थी इसलिए वो नीचे दाना चुगने के लिए उतर गए। मुखिया बोला साथियों, संकट के समय घबराने से काम नहीं चलता, इस तरह पंख मत फड़फड़ाओ, जब मैं इशारा करूँ तो तुम सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में उड़ना, जाल को लेकर हम पूर्व दिशा की ओर उड़ेंगे। यानी कि जब मुखिया ने कहा कि एक साथ संकट यानी कि परेशानी या परिस्थिति जो जब संकट वाली हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, मुखिया बोला कि आप लोग एक साथ जाल लेकर एक ही दिशा में उड़ना। तो देखो बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं जाल लेकर कबूतर एक साथ कैसे एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। मुखिया ने इशारा किया, सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। शिकारी यह देखकर दंग रह गया, यानी कि हैरान हो गया, वह कबूतरों के पीछे दौड़ा। आप नीचे देख रहे हैं चित्र में कि शिकारी किस तरह कबूतरों के पीछे दौड़ रहा है, पीछे दौड़ा, लेकिन कबूतर उड़ते ही गए। अंत में यानी कि सबसे अंत में आखिर में दौड़ते दौड़ते वह थक गया और निराश होकर लौट आया। वो जाल लेकर उड़ते रहे और वो थक गया और लौट आया निराश होकर। मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरणायक नामक चूहे के पास ले गया, यानी कि जो मुखिया कबूतरों का जो मुखिया था उसका एक मित्र यानी कि दोस्त था, वो था चूहा, उसका नाम था हिरणायक। हिरणायक 100 बिलों के दुर्ग में चैन से रहता था। दुर्ग मतलब किला, 100 बिलों उसके पास, 100 बिल थी, उसमें वो अकेला चैन से रहता था। मुखिया के पुकारने पर वह बाहर निकला, यानी कि बुलाने पर। उसने जब अपने मित्र को जाल में फंसा देखा तो बोला, मित्र तुम इतने बुद्धिमान होकर भी जाल में कैसे फंस गए। बुद्धिमान यानी कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो तो तुम जाल में कैसे फंस गए। मुखिया बोला, क्या बताऊँ मित्र, मैंने तो मना किया था लेकिन मेरे ये साथी नहीं माने, अब देर ना करो, जल्दी से हमारा जाल काट दो। हिरणायक ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। जाल से छूटकर कबूतर बहुत प्रसन्न यानी कि खुश हुए। उन्होंने हिरणायक को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दिया।
फिर वे अपने मुखिया की प्रशंसा करते यानी कि तारीफ करते हुए अपने घोंसले की ओर उड़ गए। तो बच्चों आपने देखा कि हमें कभी भी धोखे में नहीं आना चाहिए, किसी की बातों में जल्दी नहीं आना चाहिए और एकता में बल, यानी कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस तरह कबूतर एक ही दिशा में उड़कर जाल को ले गए, यानी कि उनमें एकता थी, एकता में बल होता है, यानी कि एकता में शक्ति होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।